गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी ने वर्कशीट 2 के 1 टू 12 सेंटेंसेस कर लिए ना, और घबराए तो नहीं ना, क्योंकि सेंटेंसेस तो अब आपको आ गए कि किस तरीके से हम यूज टू अवॉर्ड की हिंदी बनाती हैं। तो आपको बड़े सेंटेंसेस देखकर कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि घबरा जाओगे तो कैसे कर पाओगे, घबरा जाओगे तो नहीं कर पाओगे ना, इसलिए आपको घबराना नहीं है। अब हम आगे के सेंटेंसेस करने के लिए आप सभी रेडी हैं ना, और उससे पहले क्या बात ध्यान रखनी है, घबराना नहीं है। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग आई वुड विजिट माय ग्रैंड मदर एवरी समर। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। आई वुड विजिट, आई वुड विजिट मीन्स मैं घूमा करता था। माय ग्रैंड मदर, अपनी दादी जी के साथ। एवरी समर, हर गर्मी। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी, जब मैं जवान था तब मैं हर गर्मी अपनी दादी जी के साथ घूमा करता था। नेक्स्ट, आई यूज्ड टू प्ले पियानो, आई यूज्ड टू प्ले पियानो मीन्स मैं पियानो बजाया करती थी। अब प्ले मतलब खेलना तो होगा नहीं ना, मैं पियानो से खेलूंगी तो नहीं, पियानो को बजाऊंगी, तो मैं पियानो बजाया करती थी। कॉमा, आई वुड प्रैक्टिस एवरी डे, आई वुड प्रैक्टिस मैं अभ्यास किया करती थी एवरी डे रोजाना। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी, मैं पियानो बजाया करती थी, कॉमा मैं रोजाना अभ्यास किया करती थी। नेक्स्ट, Did you used to go out with my sister? Did you used to go out with my sister? Did, अब ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, कैसा है, इंटेरोगेटिव। Did आया है इसलिए used to किस में चेंज हो गया, used to में, किस में चेंज हो गया, used to में। अब हिंदी बनाते हैं इसकी फटाफट से। Did you used to go out? Did you, क्या तुम, used to go out, बाहर जाया करते थे, क्या तुम बाहर जाया करते थे। विद माई सिस्टर, मेरी बहन के साथ, क्या तुम मेरी बहन के साथ बाहर जाया करते थे। नेक्स्ट, डिड दे यूज टू ओन द कंपनी, अब ये भी कैसा है, इंटरोगेटिव है, कैसा है, इंटरोगेटिव। डिड, क्या दे मीन्स वे, क्या वे used to own, used to own means मालिक हुआ करते थे द कंपनी, कंपनी के, क्या वे कंपनी के मालिक हुआ करते थे, क्वेश्चन मार्क, क्या वे कंपनी के मालिक हुआ करते थे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, didn't we used to go to the same school, क्वेश्चन मार्क। अब ये कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव भी है और इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी, डिडंट वी, क्या हम नहीं, नॉट भी लगाए ना, क्या हम नहीं यूज टू गो, जाया करते थे, क्या हम नहीं जाया करते थे टू द सेम स्कूल, टू द सेम स्कूल मीन्स एक जैसे स्कूल में, क्या हम एक जैसे स्कूल में जाया नहीं करते थे, क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है, इसलिए आप बोलिए भी क्वेश्चन मार्क ताकि आपको याद भी रहे। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी, क्या हम एक जैसे स्कूल में जाया नहीं करते थे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, आई डिड नॉट यूज टू प्ले विद माई डॉल्स, आई डिड नॉट मैं नहीं, यूज टू प्ले मैं नहीं खेला करता था, मैं नहीं खेला करती थी। विद माई डॉल्स, अपनी गुड़ियों के साथ, मैं अपनी गुड़ियों के साथ नहीं खेला करती थी, मैं अपनी गुड़ियों के साथ नहीं खेला करती थी। नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज यंग मीन्स जब मैं जवान थी, क्या बनेगी इसकी हिंदी, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान थी, आई वुड डू मीन्स मैं किया करती थी, माई होमवर्क, अपना गृह कार्य,
एवरी इवनिंग, हर शाम। तो आपको सेंटेंसेस कितने इजी लग रहे हैं ना, बस आपको हर एक वर्ड की, देखिए कितनी इजीली मैं आपको सेंटेंसेस समझा रही हूँ। केवल आपको हर एक वर्ड की हिंदी बनानी है और उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में ज्वाइन कर देना है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान थी, आई वुड डू माय होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य किया करती थी। एवरी इवनिंग, हर शाम। जब मैं जवान थी तब मैं हर शाम अपना गृह कार्य किया करती थी। नेक्स्ट, इन द समर वी वुड ऑलवेज गो कैंपिंग। इन द समर मीन्स गर्मी में, वी वुड ऑलवेज, हम हमेशा जाया करते थे। वी वुड ऑलवेज गो मीन्स हम हमेशा जाया करते थे कैंपिंग, शिविर लगाने के लिए। गर्मी में हम हमेशा शिविर लगाने के लिए जाया करते थे। शी वुड सिट फॉर आवर्स इन हर गार्डन एंड निट। शी वुड सिट मीन्स वह बैठा करती थी। फॉर आवर्स, फॉर आवर्स मीन्स घंटों के लिए। इन हर गार्डन, अपने गार्डन में। एंड निट, और बुना करती थी। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी, वह अपने गार्डन में घंटों तक बैठा करती थी और बुना करती थी। नेक्स्ट, आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शॉर्ट नैप। आफ्टर लंच मीन्स दोपहर के खाने के बाद। ही वुड हैव अ शॉर्ट नैप, शॉर्ट नैप मतलब होता है छोटी नींद या थोड़ी देर के लिए नींद। तो आफ्टर लंच मीन्स दोपहर के खाने के बाद। ही वुड हैव अ शॉर्ट नैप, वह छोटी नींद लिया करती थी। वह छोटी नींद लिया करती थी दोपहर के खाने के बाद, वह छोटी नींद लिया करती थी। तो आपकी वर्कशीट 2 पूरी कंप्लीट हो गई। तो आज आपको 13 से लेकर 22 तक सेंटेंसेस की क्या बनानी है, हिंदी बनानी है। और अब मैं आपको इस एक्सरसाइज 2 कराऊंगी। देखो, वर्कशीट 2 समझ में आ गई। वर्कशीट 2 के सारे सेंटेंसेस आपको देखकर घबराना नहीं था, बहुत बड़े लग रहे थे ना आपको, लेकिन किस तरीके से पूरी वर्कशीट 2 को कंप्लीट कर दिया। तो पहले तो आपको सेंटेंस देखकर थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी ना कि किस तरीके से हम इतने बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन अब कोई घबराहट नहीं, बिकॉज हमें सारे सेंटेंस आते हैं। अब हम उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आई ब्लैंक लिव इन अ फ्लैट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। अब आपको इसमें जहाँ पर ऑब्लिक लगा है वहाँ पर क्या लगाना है, यूज्ड टू, क्या लगाना है, यूज्ड टू। बट अब ये सेंटेंसेस इसमें कुछ अफर्मेटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं और कुछ इंटरोगेटिव हैं। तो आपको सिखाए हैं ना मैंने कि किस तरीके से यूज्ड टू के नेगेटिव भी बनाए जा सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बनाए जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। आई ब्लैंक आई ऑब्लिक लिव इन अ फ्लैट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। तो क्या आएगा, आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू लिव इन अ फ्लैट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, आई वॉज अ चाइल्ड। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी, आई यूज्ड टू लिव मीन्स मैं रहा करता था या मैं रहता था। इन अ फ्लैट, एक फ्लैट में। व्हेन, जब। आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। मीन्स जब मैं एक बच्चा था तब मैं एक फ्लैट में रहा करता था। बी ऑब्लिक गो टू द बीच एवरी समर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क लगा है मीन्स ये कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। तो क्या लगेगा आगे, डिड। यूज टू के इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, डिड, डिड वी यूज टू, डिड वी यूज टू गो टू द बीच एवरी समर, डिड वी यूज टू गो टू द बीच एवरी समर, एवरी समर। तो क्या बनेगी, एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी, क्या हम यूज टू गो, जाया करते थे, क्या हम जाया करते थे टू द बीच, बीच पर एवरी समर, हर गर्मी में। मीन्स
क्या हम हर गर्मी में बीच पर जाया करते थे? हिंदी, क्या हम हर गर्मी में बीच पर जाया करते थे? नेक्स्ट, शी ऑब्लिक लव ईटिंग चॉकलेट बट नाउ शी हेट्स इट. शी ऑब्लिक मीन शी यूज्ड टू, शी यूज्ड टू लव ईटिंग चॉकलेट्स. शी यूज्ड टू लव ईटिंग चॉकलेट्स बट नाउ शी हेट्स इट. क्या बनेगी इसकी हिंदी? शी यूज्ड टू लव ईटिंग चॉकलेट्स. उसे चॉकलेट्स खाना पसंद था या वह चॉकलेट्स खाना पसंद किया करती थी. बट नाउ, लेकिन अब शी हेट्स इट, लेकिन वह अब नफरत करती है. मतलब पहले उसे चॉकलेट्स खाना अच्छा लगता था लेकिन अब वो पसंद नहीं करती है. ही ऑब्लिक नॉट ऑब्लिक स्मोक, तो क्या आएगा? ही डिड नॉट, क्योंकि नॉट वाला सेंटेंस है नेगेटिव है, मीन्स ही डिड नॉट. यूज टू, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक. ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, वह धूम्रपान नहीं किया करता था. वह धूम्रपान नहीं किया करता था. आई ऑब्लिक प्ले टेनिस व्हेन आई वॉज एट स्कूल, तो क्या बनेगी? आई यूज्ड टू, क्या लगा देंगे? आई यूज्ड टू प्ले, क्योंकि ये तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है ना. तो आई यूज्ड टू प्ले टेनिस व्हेन आई वॉज एट स्कूल. आई यूज्ड टू प्ले टेनिस व्हेन आई वॉज एट स्कूल, तो क्या आएगा? आई यूज्ड टू प्ले टेनिस मीन्स मैं टेनिस खेला करता था. व्हेन, जब आई वॉज एट स्कूल, जब मैं अपने स्कूल में था. मतलब जब मैं स्कूल में था तो टेनिस खेला करता था. आज का होमवर्क है ट्रांसलेशन में कि आपको वर्कशीट 2 के 12 के बाद के सेंटेंस मीन्स 13 से लेकर 22 सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है, और ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करनी है. आपको एक्सरसाइज ओनली इंग्लिश में ही बनानी है, जस्ट आपको हिंदी इनकी नहीं बनानी है. वर्ब सेट 1 भी पूरा लर्न करना है. मैंने आपको वर्ब सेट 1 लर्न कराया है ना, तो आपको वर्ब सेट 1 भी पूरा लर्न करना है.